मेरा नाम खुशबू सोनी है और मैं एक कोडा हूँ। कोडा जैसे कि आप सभी जानते हैं, चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट, मतलब जिनके पेरेंट्स डेफ होते हैं उनके बच्चों को कोडा बुलाया जाता है। और कोडा अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल आईडी है और इस स्पेशल आईडी से मुझे भी बहुत प्यार है क्योंकि मैं कोडा हूँ। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल आईडी है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोडा हूँ, मुझे बहुत प्यार है इस आईडी से। कोडा में आप अक्सर देखेंगे कि जो डेफ कल्चर है वो कोडा के अंदर भी बहुत स्ट्रांगली उनके अंदर होता है। डेफ कल्चर से आप क्या समझते हैं? डेफ कल्चर में जैसे कि आप देखेंगे कि जो डेफ लोग हैं, जब वो कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो अपने हाथों से साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, उनके हैंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और किसी को जब बुलाते हैं तो वो टैप करके बुलाते हैं, आई कॉन्टेक्ट से बात करते हैं। तो वो सेम चीज़, सेम कल्चर डेफ लोगों का जो कल्चर है वो कोडा में भी होता है। तो मेरे अंदर ही वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली है, मतलब बचपन से लेके अभी तक मैं जो सोचती हूँ या कुछ इमेजिन करती हूँ तो पहले साइन लैंग्वेज में करती हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है, अभी भी साइन लैंग्वेज है। तो मैं जब भी कुछ इमेजिन करती हूँ या मैं कुछ सोचती हूँ साइन लैंग्वेज में सोचती हूँ। तो बचपन में अक्सर मेरे साथ ऐसे होता था, जब मैं छोटी थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे आसपास के हियरिंग लोग थे, तो जब मैं बात करती थी तो अपने हैंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करती थी, अभी भी करती हूँ। और जब मैं बात करती थी तो हाथ का मतलब मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, जब मैं उन्हें बुलाती थी तो टैप करके बुलाती थी। तो कई बार लोग मुझे टोकते थे कि खुशबू तुम इतना ऐसे हैंड मूवमेंट्स क्यों करते हो या ऐसे टैप करके किसी को क्यों बुलाते हो, क्योंकि मोस्टली हियरिंग लोग में ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो लोग ऐसे टैपिंग का या हैंड मूवमेंट्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था। और एक बार क्या हुआ, मैं कोई फॉर्म अपना फिल कर रही थी और कुछ स्पेलिंग में कुछ मुझे कन्फ्यूज़न था, तो मैंने पहले उसको साइन में स्पेल किया, फिर मैंने उसको करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म में भरा। तब मेरी फ्रेंड्स को देख के लगा कि यार खुशबू तुम तो पहले साइन लैंग्वेज में सोचती हो फिर उसको चीज़ करती हो, मतलब तुम हर चीज़ मतलब पहले जो भी इमेजिन करती हो सोचती हो साइन लैंग्वेज में सोचती हो। तो ये मेरा एक एज कोडा मेरा एक एक्सपीरियंस मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है।